हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल गाइस टू माय चैनल। मेरा नाम है कुणाल लुन्हारे और मैं आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस एथिक्स के बारे में, जो कि आपके चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चैप्टर है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है। ओके, सो ये जो बिजनेस एथिक्स है, सबसे पहले तो हम लोग इसको एक स्टोरी के बेस में जानते हैं, पिक्चर्स के बेस में जानते हैं कि आखिर ये बिजनेस एथिक्स हमें कहता क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मीनिंग और बाकी सारी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहला है, अगर मैं आपको बिजनेस एथिक्स की मेन कंसेप्ट बताऊं कि आखिर इसके पीछे हमें पढ़ना क्या है, तो देखो ये बिजनेस एथिक्स मतलब क्या होता है। देखो, जो भी गवर्नमेंट है, हर कंट्री की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, ओके। तो जो भी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो अपनी कंट्री में क्या करती है, एक पर्चा बनाती है, मतलब एक पेपर जैसा रूल बनाती है, ओके। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सारे रूल्स को देख रहे हैं आप, 1-2 ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, रूल्स या फिर नॉर्म्स गवर्नमेंट बनाती है, और इस रूल्स और नॉर्म्स को हर मतलब जो भी कंट्री, उस कंट्री में जितने भी बिजनेस है वो सारे बिजनेस को जो गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए उसे फॉलो करना पड़ता है, ओके। अगर मैं इसको आपको और माइनर टर्म्स में बताऊं, सो जो भी रूल्स गवर्नमेंट्स बनाती है वही सारे रूल्स को हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक। मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये रूल्स में क्या क्या बातें लिखी रहती है, देखो ये जो रूल्स है, जैसे इसमें रूल्स में लिखे रहते हैं कि प्रोवाइड कस्टमर ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे रूल्स बहुत सारे बनाती है, जैसे उसमें लिखी रहती है। जैसे अगर मैं इस आपको फर्स्ट पॉइंट कैसे मतलब बताऊं, तो इसमें उसने गवर्नमेंट लिखी रहेगी कि बताइए, तो इसमें गवर्नमेंट बोलती है हर बिजनेसमैन को कि आपको कस्टमर्स को एकदम ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है। मतलब जैसे अगर कोई भी बिजनेस है, सपोज ये बिजनेस ही है यहाँ पर जो मैंने बनाया डायग्राम, सो गवर्नमेंट क्या बोलती है हर बिजनेस को कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो, जो भी प्रोडक्ट, उसके पीछे आपको उसकी सारी डिटेल्स लिखनी है, जिससे हर कस्टमर्स को पता चले कि ये प्रोडक्ट आखिर क्या है, कैसे काम करता है, इसकी एक्सपायरी डेट कब है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, इसमें क्या क्या चीज़ मिली हुई है, राइट। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट बोलती है कि हर बिजनेसमैन को प्रोवाइड करनी चाहिए, हर बिजनेस को प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये भी, ये सारी चीज़ें भी रूल्स में लिखी रहती है जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक। अब यार सोचो, अगर जो भी बिजनेस है, अगर उस बिजनेस के पीछे MRP नहीं लिखा रहेगा तो सिचुएशन क्या होगी, कोई भी बंदा, मान लो कि एक प्रोडक्ट है 20 रुपीज़ का, तो कोई भी सेलर जो है, कोई भी बेचने वाला जो सामान है वो उसे कोई भी प्राइस में बेचेगा, है ना, अगर MRP नहीं लिखा रहेगा। कोई उसे 40 में बेचेगा, कोई उसे 50 में सेल करेगा, ऐसा होगा तो ये सिचुएशन बहुत बिगड़ जाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्ट्रिक्टली कुछ रूल्स बना देती है जो हर बिजनेसमैन को एनी हाउ उसे फॉलो करना ही पड़ता है, राइट। अब जैसे हर गवर्नमेंट क्या लिखते हैं अपने रूल्स में कि हर बिजनेसमैन को पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स भी बना के रखना चाहिए, मतलब कि पॉल्यूशन, जितने भी बिजनेस है उनको एक तरीके से पॉल्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड्स पढ़ाया था पीछे, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। हर बिजनेसमैन को एक स्टैंडर्ड्स बना देना चाहिए, राइट, उसके हिसाब से उसे काम करना चाहिए, जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ चीप और रिजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट कहती है कि जो भी बिजनेस है उन्हें हमेशा से ट्राई करना चाहिए कि वो हर कस्टमर्स को एक ऐसा प्रोडक्ट दे जो चीप हो और रिजनेबल प्राइस हो उसका, ठीक, और अलाउइंग कस्टमर्स में एक फ्री चॉइस। और हर गवर्नमेंट अपने रूल्स में ये भी लिखती है कि जो भी, मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन है वो कोई भी कस्टमर को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई अब तू मेरी शॉप में आए तो तुझे मेरा ही सामान खरीदना पड़ेगा, ठीक। तो ये तो बेसिकली क्या होता है, बिजनेस एथिक्स में हम यही करते हैं कि हर गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ रूल्स बना देती है, रूल्स को हम नॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हर बिजनेसमैन को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है हर बिजनेसमैन को, राइट। तो जो भी बिजनेसमैन, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जो भी बिजनेसमैन अगर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करता है, वैसे टाइप की बिजनेस को हम क्या कहते हैं, एथिकल बिजनेस कहते हैं, एथिकल बिजनेस कहते हैं, राइट।
हाँ, सो बिजनेस एथिक्स की अगर मैं आपको मीनिंग बताऊँ तो उस मीनिंग में भी मैं यही सारी चीज लिखा हूँ। देखो, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स। ये क्या होता है, एक सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं जो कि मैंने आपको इधर बताया है। रूल्स को हम नॉर्म्स भी कहते हैं, ठीक। विच गवर्न्स, गवर्न्स को हम कंट्रोल भी कहते हैं एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो मतलब बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स और नॉर्म्स विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। तो यही मैंने यहाँ पर एक चीज बताई कि बिजनेस एथिक्स वो चीज होती है, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है, जो हर एक बिजनेसमैन को उसके हिसाब से ही फॉलो करना पड़ता है, जो कि क्या करती है, एनी हाउ रूल्स जो है वो बिजनेस की एक्टिविटीज को एनी हाउ कंट्रोल करती है, राइट। तो यही सारी चीज थी बिजनेस एथिक्स के बारे में मुझे बतानी थी। तो जो बिजनेस अच्छे से ये सारे रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो करता है उसे हम एथिकल बिजनेस कहते हैं, ओके। तो ये था बिजनेस एथिक्स का मीनिंग, ठीक। अब जी इसके आगे कुछ एलिमेंट्स भी है, वो भी हम जान लेते हैं। तो चलिए, अब ये जो दूसरा टॉपिक है ये है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो आखिर इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, देखो मैंने यहाँ पे आपको अभी एथिकल कि मैंने यहाँ पर मीनिंग बता दी थी। एथिकल बिजनेस वो बिजनेस होता है, एक ऐसा बिजनेस है, कितना अच्छा बिजनेस जो कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अपना काम करता है, ठीक। उसे हम एथिकल बिजनेस कहते हैं, राइट। तो या इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि एथिकल बिजनेस, जो भी एथिकल बिजनेस होता है जो कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड नॉर्म्स को अच्छे से फॉलो करता है, सो वैसे बिजनेस क्या करते हैं, अपने बिजनेस में खुद के रूल्स बना लेते हैं। पॉइंट नोट करना, अपने खुद के रूल्स बना लेते हैं और वो रूल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करवाते हैं, ठीक। सो जितने भी एथिकल बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खुद के रूल्स बनाते हैं और उस रूल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से फॉलो करवाते हैं, ठीक। तो इस टॉपिक में हमें यही चीज पढ़ना है कि एक एथिकल बिजनेस कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के रूल्स बनाता है जिससे वो एक एथिकल बिजनेस कहलाता है, ठीक। मतलब हर इस टॉपिक में बेसिकली यही पढ़ना है कि एथिकल जितने भी एथिकल बिजनेस है उन्हें ऐसे कौन कौन से रूल्स बनाने चाहिए जो उनके बिजनेस के लिए अच्छे रहे। तो सबसे पहला पॉइंट है टॉप, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक में बेसिकली हमें पढ़ना क्या, राइट। इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि एक एथिकल बिजनेस को कैसे रूल्स बनाने चाहिए जो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर सके, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से रन करे। तो सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। देखो, जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं ना, वो उनके मतलब हर जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं उसके मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स। अब ये टॉप लेवल मैनेजर्स क्या होते हैं, देखो टॉप लेवल मैनेजर्स ऐसे मैनेजर्स होते हैं जैसे एक बिजनेस का चेयरमैन हो गया, सीईओ हो गया, है ना। तो ये जो पर्सन होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो इनको हम टॉप लेवल मैनेजर्स बोलते हैं। अब जी टॉप लेवल मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, अपने जितने भी उनके अंडर एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। गाइड का मतलब कमिट करना चाहिए। ये जो कमिट है ना, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि गाइड, ओके। सो जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स है उन्हें क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना चाहिए एथिकल बिहेवियर के बारे में। एथिकल बिहेवियर मतलब अच्छा बिहेवियर, मतलब हर मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स को फाइनली अपने एम्प्लॉयज को ये बताना चाहिए कि कैसे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से रह सकते हैं, ठीक। एथिकल बिहेवियर मतलब वही होता है कि अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना, ठीक। तो ये जो भी एथिकल बिजनेस है वो अपने बिजनेस में ये सारी चीज करता ही है, वो अपने एम्प्लॉयज को गाइड करता है एथिकल बिहेवियर के बारे में कि वो कैसे कैसे हर एम्प्लॉय एक बिजनेस में अच्छे से बिहेव कर सकता है। अब जी सेकेंड है पब्लिकेशन ऑफ कोड। ये यहाँ पर मैंने प्रॉपर ये कोड है, CODE, ओके। अब ये पॉइंट क्या कहता है, देखो जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं, जो भी अच्छे बिजनेस होते हैं, जो भी सब गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का रूल बनाते हैं जैसा मैंने आपको बताया, है ना। तो वो क्या करते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, ठीक। अब इस डॉक्यूमेंट में वो ये सारी चीजें लिखते हैं कि कैसे हमें अच्छे से प्रोडक्शन को करना चाहिए, कैसे हमें एक फेयर वे से, एक अच्छे तरीके से हमें कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए। हम और इसके वो ये भी बताते हैं इस डॉक्यूमेंट में कि कैसे हम अपने जितने भी इम्प्लॉयज हैं उनको हम सेफ्टी मतलब सेफ करके रख सकते हैं, मतलब उन्हें अच्छे से अच्छी वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं। और इसके साथ साथ
वो क्या करते हैं, अपने जितने भी इम्प्लॉयज हैं, जो भी बिजनेस के अंदर जितने भी इम्प्लॉयज हैं, उनके सारे कोड ऑफ कंडक्ट बता देते हैं कि हर इम्प्लॉयज को कैसे काम करना चाहिए। जैसे इम्प्लॉयज को काम करते वक्त स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, राइट। तो एथिकल बिजनेस क्या करते हैं, अपने खुद के रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक, खुद के रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसमें वो ये सारी चीजें लिख देते हैं। और इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। तो पब्लिकेशन ऑफ कोड मतलब एक ऐसा कोड बनाना, तो एथिकल कोड, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ कोड मतलब एक कोड बनाना, पब्लिश करना। तो एथिकल बिजनेस क्या करती है, एक ऐसी कोड बनाती है, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो रहता है, जिसमें वो ये सारी चीजें लिख देती है कि एम्प्लॉयज को कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब, और इसके साथ साथ वो जो बिजनेस है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना के सेल कर सके। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, इन लोग लिख देते हैं। अब थर्ड पॉइंट, अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं उन्हें क्या चीज करना चाहिए, राइट, ऐसे कौन से रूल्स फॉलो करवाने चाहिए। तो थर्ड पॉइंट में ये कहता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। अब जहाँ कंप्लायंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स, अभी स्टैंडर्ड्स के बारे में आप सभी को पता है कि क्या होता है, राइट। तो देखो स्टैंडर्ड्स का ना मैं आपको एक एग्जांपल से और एक बार समझा देता हूँ। देखो टाइम, देखो स्टैंडर्ड, हर बिजनेस ना अपना एक स्टैंडर्ड बना देता है। सपोज करना कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये तो यहाँ पर क्या किया, एक बिजनेस है, उसने अपना टाइम टारगेट बना के रखा है, वो अपना एक टाइम स्टैंडर्ड बना के रखा है, ठीक। और ये जो बिजनेस है उसने कहा है कि ये जो टारगेट है, इस टारगेट में, मतलब कोई भी एक बिजनेस है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। अब वो प्रोडक्शन कर रहा है मतलब सपोज करना कि एक बिजनेस है, ठीक, एबीसी बिजनेस, ये बिजनेस चाहता है कि इसका जितने भी प्रोडक्शन है उसका सामान क्या हो जाए, इस टाइम पीरियड तक उसका सामान बन जाए, है ना। तो वो अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि तुम सभी को इस टाइम तक पूरे सारे काम को कंप्लीट करना है, सारे सामान, सारा प्रोडक्शन को कर देना है, बना देना है, ओके। तो देखो अगर ये जो टाइम टारगेट जो एबीसी कंपनी ने सेट किया है, बिजनेस ने सेट किया है, अगर उसके एम्प्लॉयज इस समय तक, टाइम टारगेट के समय, इस डेट तक पूरा सामान, मतलब पूरा प्रोडक्शन कर लेंगे, पूरा सामान बना लेंगे, तो आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे, है ना। अगर वही इम्प्लॉयज, अगर सेकंड केस में मैं बोलूँ, अगर वही इम्प्लॉयज अपना काम इस टाइम टारगेट से पहले कर देंगे, अर्ली कर देंगे, तो आप क्या करोगे, नाचने लगोगे, है ना, ऐसी होगा ना, आप क्या करोगे, नाचने लगोगे। और वहीं पर अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर वही इम्प्लॉयज थर्ड केस में, अगर टाइम पीरियड इतना था और वो इम्प्लॉयज लेट कर दिए, एक टाइम पीरियड के आगे तक बना रहे, मतलब अभी तक टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, राइट, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उनके ऊपर गुस्सा हो गया, आप क्या करोगे, रोना चालू करोगे, क्योंकि जिस टाइम में आपने बोला था अपने एम्प्लॉयज को, उसने उस समय तक कंप्लीट नहीं किया और लेट हो गया टारगेट, है ना। तो आप क्या करोगे, सीधा अपने एम्प्लॉयज के पास जाओगे और अपने एम्प्लॉयज को क्या करोगे, चिल्लाओगे और बोलोगे कि भाई टाइम क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसी होगा। लेकिन जी ये जो आपकी एक्टिविटी, आप डायरेक्ट जाकर अगर एम्प्लॉयज को आप चिल्लाओगे कि भाई क्यों नहीं हुआ, और उसे बस चिल्लाने ही चालू कर दोगे और पूछोगे ही नहीं रीजन कि भाई तू बता तो एटलीस्ट हुआ क्यों नहीं, काम हुआ क्यों नहीं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट चिल्लाने ही चालू कर दोगे कि तुम लोग बहुत निकम्मे हो, तुम लोग से कुछ होता नहीं है, तो ये बहुत गलत बात होती है, राइट। तो एथिकल बिजनेस क्या करता है, अपना टाइम स्टैंडर्ड करता है सेट, और अगर कभी कभी उसका टाइम सेट, मतलब जो वो टारगेट सेट किया, अगर उस टाइम से काम कंप्लीट नहीं होता, तो वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज के पास जाता है, पहले प्यार से पूछता है कि बताओ कि जो प्रोडक्शन मैंने बोला था टाइम पीरियड तक कंप्लीट होना चाहिए, वो टाइम पीरियड तक हुआ क्यों नहीं हुआ, ऐसा कौन सा रीजन है, वो अपने एम्प्लॉय से पूछता है, राइट। तो उसके एम्प्लॉयज उसे बताते हैं कि सर अभी हुआ क्या, कि मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो चले गया जिसके कारण बर्डन बढ़ गया, तो ऐसे कुछ भी रीजन हो सकता है। और अगर आप वहीं पर उसे डायरेक्ट बस चिल्लाने चालू कर दोगे और उसे पूछोगे नहीं कि रीजन क्या है ना, तो ये बहुत गलत बात होती है। तो एथिकल बिजनेस क्या करता है, उसे एक ऐसा रूल सेट करना चाहिए जहाँ पे उसे क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय से पूछ लेना चाहिए, अपने एम्प्लॉय से पूरी रिपोर्ट ले लेना चाहिए कि उसके पीछे का रीजन क्या है, राइट। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म यही कहता है कि सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड देखो पहले हो गया या जो टाइम पीरियड आपने सेट किया था उस समय तक हो गया तो अच्छी बात है, अगर लेट हो गया तो लेट होने के केस में आपको क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉय से रिपोर्ट मांग लेना चाहिए कि रीजन क्या था, वो काम हुआ क्यों नहीं, है ना। तो यही होता है, एक एथिकल बिजनेस को हमेशा एक ऐसा ही कोड
मैंने क्या बताया, एथिकल बिजनेस को एक इस टॉपिक में हमें यही पढ़ना है कि एथिकल बिजनेस कैसे एक अपना रूल बना सकता है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करे, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करे, है ना। तो सेम इसलिए ये भी रीजन होता है कि हमें यही सारे रीजन है कि एक कैसे एक एथिकल बिजनेस को अपना रूल सेट करना चाहिए जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन उसका बिजनेस अच्छे से रन करे, है ना। तो ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लाइंस मैकेनिज्म का मतलब। अब फोर्थ है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। देखो, इन्वॉल्व करना मतलब पार्टिसिपेट करना, मतलब अपने एम्प्लॉयज को बुलाना। देखो, जो भी एथिकल बिजनेस होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कोई भी डिसीजन में बुलाते हैं। कि जैसे मान लो कि आपने एक मोबाइल लॉन्च किया, आपकी ये कंपनी थी एबीसी कंपनी, आपकी बिजनेस जो है वो मोबाइल पे डील करता है, ठीक। तो आपने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को बोला कि देखो भाई, हनो ये वाला जो मोबाइल है इसे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो वो अपने एम्प्लॉय से पूछेगा कि तुम सब बताओ कि इस मोबाइल को हम कैसे लॉन्च करें, क्या करें, ठीक। तो जो भी एथिकल, जो भी अच्छे बिजनेस होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन में पार्टिसिपेट करना देना चाहिए, है ना। देखो, अब इससे क्या होगा, अगर आप अपने एम्प्लॉय से पूछोगे कि इस मोबाइल के बारे में सारी डिटेल बताओ, तो देखो आपके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो अलग अलग जगह से होंगे। मान लो कोई होगा एमपी से, मध्य प्रदेश से होगा कोई, छत्तीसगढ़ से कोई, कोई आंध्र प्रदेश से होगा, कोई वेस्ट बंगाल से होगा, कोई तमिलनाडु से होगा, है ना, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई गुजरात से होगा। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप के पीपल है ना, वो अपनी अपनी सजेशन देंगे कि सर अगर ये वाला मोबाइल अगर हम गुजरात में लॉन्च करेंगे तो इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। वहीं पर दूसरा कोई महाराष्ट्र का पीपल बोलेगा कि सर ये वाला जो मोबाइल है ये हमारे इसमें ऐसा, हमारे जो महाराष्ट्र में है वो इतने सारे लोगों को काम आएगा, इतने सारे लोगों को काम नहीं आएगा। तो इससे हो क्या रहा है, देखो एनी हाउ आपका ही फायदा, और आपको ही पता चल रहा है कि हाँ मेरी जो भी प्रोडक्ट है उसकी नेगेटिविटी क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होता है। तो जो भी एथिकल बिजनेस होता है उसे क्या करना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयज को डिसीजन में पार्टिसिपेट देने के लिए मौका देना चाहिए। मतलब जो भी एथिकल बिजनेस है उसे अपने एम्प्लॉयज को कोई भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए देना चाहिए, ठीक। तो इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स का मतलब यही होता है, ठीक। अब जी जो लास्ट पॉइंट है वो है मेजरिंग रिजल्ट। देखो, जो भी एथिकल बिजनेस होता है, ठीक, उसे क्या करने चाहिए, अपने जो भी रिजल्ट्स है उनको उसे मेजर करना चाहिए कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। सपोज करना कि ये चार डब्बे हैं, इस चार डब्बे के अंदर ये एबीसी कंपनी के मोबाइल्स रखे हैं, ठीक। अब एबीसी कंपनी ने ये और ये एक चीज पहले बता दूं कि ये पूरा 1 ईयर मान के चलो, ठीक, एग्जाम्पल है इसमें मैंने क्या किया, पूरा ये 1 साल है, ठीक। तो इसमें ये जो एबीसी कंपनी है इसने बोला कि ये पूरे डब्बे उसने ये जो कोई भी ईयर है उसके फर्स्ट ईयर के मतलब 1 जनवरी को बोला, उसने प्लान किया कि ये जो चार डिब्बे है ये पूरे साल के पूरे एंड तक बिक जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, अगर ये जो जितने भी डब्बे हैं अगर ये पूरे साल के आखिरी तक बिक गए तो अच्छी बात है, अगर ये इसके पहले भी बिक गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये बिके नहीं, ठीक, तो इस समय क्या करना पड़ता है, आपको एनालाइज करना पड़ता है। देखो, अगर आपने प्लानिंग क्या की थी कि आपने प्लानिंग की थी कि पूरे ईयर के आखिरी तक आपके सारे डब्बे बेचने हैं, नहीं बिके तो क्या करोगे, आपका ये मतलब एक आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कोई भी एथिकल बिजनेस का कि उसे जान लेना चाहिए कि उसके ऐसा रीजन क्या है जिसके कारण ये सारे प्रोडक्ट बिके नहीं, ठीक। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये दोनों आपस में बहुत को रिलेट करते हैं, ठीक, एक तरीके से सेम ही है, ठीक है। तो हर एथिकल बिजनेस, एक जो भी एथिकल बिजनेस होता है उन्हें एक ऐसा रूल बनाना चाहिए जहां पे उन्हें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो भी वो प्लान करते हैं अगर वो हुआ नहीं तो उसके पीछे उसका क्या राज है, उसका मेजर रिजल्ट क्या आया है, राइट। तो उन्हें एक तरीके से मेजर कर लेना चाहिए, ठीक। तो ये जितने भी टॉपिक्स है, ठीक, ये टॉपिक बहुत इजी था, बिजनेस एथिक्स इसके बारे में। तो इस टॉपिक में मैं आपको आपको और एक चीज और एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है, एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हर बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, और जो भी बिजनेस है उनको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब यहाँ पर मैंने वही लिखा है, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, ठीक है, ऐसे ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो एक बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। फिर हम लोग ने, और यहाँ पर मैंने आपको और एक चीज बताई कि जो भी बिजनेस जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं अच्छे से, उन बिजनेस को हम एथिकल बिजनेस कहते हैं, और ये बिजनेस बहुत अच्छे होते हैं। अब जी
एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, मतलब एथिकल बिजनेस जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद के रूल्स बनाते हैं, जो कि वो चाहते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में फॉलो करे, जिससे उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो, है ना। तो उसके मैंने रीजन बता दिए कि ऐसे एथिकल बिजनेस में से कौन कौन से रूल्स उन्हें फॉलो बनाने होते हैं जिससे उनका बिजनेस अच्छे से रन कर पाए। तो आज के लिए डियर बस इतना ही, अगली लेक्चर्स में या शायद अगले चैप्टर में अभी हम लोग मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स।